SM इमदाद ट्रस्ट के साथ जुड़े और गरीब गुरबा आवाम का सहारा बने। इस रमजान जकात और फितरा देने के लिए जुड़े SM इमदाद ट्रस्ट के साथ, जो कई सालों से शहर हैदराबाद की गरीब गुरबा आवाम की मदद करता आ रहा है। बड़ी ही अफसोसनाक और शर्मनाक खबर आ रही है इस रमज़ान के माह मुबारक महीने में शहर हैदराबाद से। हम सोच भी नहीं सकते कि कोई मुसलमान रमज़ान में भी ऐसा काम करेगा। खबर है हैदराबाद के लंगर हाउस पुलिस स्टेशन लिमिट से, जहां पर बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया है। लड़की को 5 दिन तक किडनैप करके लगातार उसका रेप बलात्कार किया गया। जी हाँ, ये 28 तारीख की रात को मॉडल सलमान नामी एक नशेड़ी ने ये वारदात अंजाम दी। अब इसे मॉडल सलमान कहे या फिर रेपिस्ट मॉडल सलमान, मॉडल सलमान नामी नशेड़ी ने लंगर हाउस की रहने वाली एक लड़की का किडनैप किया और उसके साथ 5 दिन तक गलत हरकत करता रहा। इत्तला मिलते ही लंगर हाउस पुलिस कादरबाग मोहल कॉम्प्लेक्स से उस लड़की को रेस्क्यू कराने में कामयाब रही और सलमान रेपिस्ट मॉडल को अरेस्ट कर लिया गया है। देखिए अफसोसनाक खबर शहर हैदराबाद के लंगर हाउस से। अस्सलाम वालेकुम, मैं लंगर हाउस करोलबाग की रहने वाली हूँ। 28 के दिन मेरी बहन लापता हो गई थी। वहाँ से हम लोग 3 दिन तक उसको ढूंढते रहे। 3 दिन के बाद जब उसका फ़ोन लगा तो मालूम पड़ा कि उन्हें यहाँ पे मुगल अपार्टमेंट सलमान, मिर्ज़ा सलमान बेग के पास, मॉडल सलमान बोलते हैं उनको बेसिकली, उनके पास उन्हें किडनैप करके उनको रखे हुए है। चेन से मार रहे उनको, मल्टीपल टाइम्स उनके साथ रेप कर दिए, न्यूड फोटोज़ ले लिए, वायरल कर देते बोल के ब्लैकमेल कर रहे थे उनको। आज उनको मौका मिलना है, उन्हें फ़ोन करके हमको इन्फॉर्म करे कि मैं यहाँ पे हूँ। फिर हम लोग लंगर हाउस PS को कॉल करके वहाँ पे बोले कि ऐसा ऐसा मेरी बहन को किडनैप कर लिया बोले, तो फिर पुलिस आके मेरी बहन को वहाँ से रेस्क्यू करी। पुलिस फ़ोन करे, हम लोग फ़ोन करने से मालूम हुआ, 3 दिन से ट्राई कर रहे थे, फ़ोन ही नहीं लग रहा था उनका, फ़ोन ही नहीं लग रहा था। फिर उसके बाद फ़ोन लगने से मालूम पड़ा कि वहाँ पे है उन्होंने बोल के, मोहम्मद मिर्ज़ा सलमान बेग है वो बच्चे का नाम। जी हाँ है, ये देखिए इन्होंने, क्या पेशा है इनका? इनका पेशा मेरे ख्याल से इन्होंने रियल स्टेट का कुछ करते बोल के बोलते हैं, अल्लाह को मालूम क्या करते क्या नहीं करते, बट ऐसी हरकत तो करते। किडनैप करके रखे जी हाँ। आपको कब मालूम हुआ है? हम लोग को आज शाम में मालूम हुआ वहाँ पे है बोल के। कंप्लेंट करे फिर? जी हाँ कंप्लेंट करे, डायल 100 पे कॉल करे पहले, फिर उसके बाद लंगर हाउस PS से फ़ोन आया, वहाँ से पुलिस वाले आए, साथ में हम लोग घर पे गए। वहाँ पे तो पहले उनका छोटा भाई बोल रहा है यहाँ पे नहीं रहते, यहाँ पे मेरे सलमान कौन है, यहाँ पे नहीं रहता उन्हें बोल के अला। फिर पुलिस वाले डायरेक्ट ऊपर 4th फ्लोर पर जाके वहाँ से रेस्क्यू करके लेके आए मेरी बहन को। उनकी फैमिली वाले नहीं बोले? फैमिली वाले, बहन, उनके मम्मी, उनके बाबा, सबको मालूम था शायद बच्ची वहाँ से घर में से लेके आए बोले, तो मैं आपको क्या बोलूँ, उनकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है इसमें। आपकी फैमिली जाके घर पे से रेस्क्यू करे? जी हाँ जी हाँ। फिर इनको अरेस्ट करे, क्या नाम है इनका? सलमान। जी हाँ बिल्कुल, अरेस्ट कर लिया PS में, लंगर हाउस PS में। FIR हो गई आपकी? जी हाँ हो गई। कब हुई FIR? आज ही हुई भाई अभी। क्या केस, क्या सेक्शंस लगाए? सेक्शंस का तो अभी मेरे को आइडिया नहीं है सर, FIR देते बोल रहे थे। जी हाँ। 5 दिन से मिसिंग नहीं है? नहीं नहीं करे भाई, किसी को इन्फॉर्म भी नहीं करे हम लोग, मतलब लड़की है ज्यादा बदनामी हो जाएंगी बोल के कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो आप लोग वहाँ फोन नहीं लग रहा तो फिर फोन लगा आप लोग? जी हाँ फोन लगा शाम में। लड़की बोले आप? जी हाँ। क्या बोल के बोले? मारे, फुल मारे उनको, चेन से मारे, गला दबा दिए उनका, सिगरेट के चुरके दे दिए उनको पूरी बॉडी पे, पूरा पुलिस वाले चेक कर रहे उनको। तो मेडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन भी लेके जा रहे हैं उनको, लेके जा रहे। जी हाँ। और मेरी बहन के फ़ोटोज़ ले लिए थे उन्होंने, फ़ोटोज़ लेके ब्लैकमेलिंग करना स्टार्ट कर दिए थे, अगर तुम लोग मेरे को पैसे दिए तो मैं ये फ़ोटोज़ डिलीट करता हूँ बोल के बोल रहे थे उन्होंने। कितने पैसे पूछे? 10 लाख रुपए पूछे सर जी। हम लोग अभी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन हमारी उतनी अच्छी नहीं थी, तो हम लोग बोले कि नहीं भाई रिक्वेस्ट करे, कई बार हुआ, कई बार आए गए उन्होंने रिक्वेस्ट करे बट सुनने को तो तैयार, उनको मौका मिला उन्होंने ले लेके चले गए बहन को हमारी लेके जाके। बोले आप जाके ऐसा कुछ शिकायत करें? घर के पास गए हम लोग एक बार, तो यहाँ पे नहीं रहता उन्हें बोल के भिजा दिया हमारे मम्मी को। जी जी हाँ। उनके भाई पूरे जने इन्वॉल्व है ये मैटर में, 100% इन्वॉल्व है, क्योंकि भाई को ऑफिस नीचे है, ये लोग रहते 4th फ्लोर पे, वहाँ से ही ले लेके आए नीचे से। नाम क्या है? भाई का नाम फुरखान। क्या करते हैं? एडवोकेट है बोलते, नहीं मालूम क्या करते। बच्ची की इज्जत के खातिर मीडिया में या पुलिस में कहीं पे भी नहीं गए, अब जब हम लोग पुलिस में हिम्मत करके बोल दिए, मीडिया का भी सपोर्ट अच्छी तरीके से मिला हम लोगों को, उसकी वजह से अब हम लोग आए और बोल रहे। उसके ऑलरेडी कई केसेस है ऐसे, अभी मालूम पड़ रहा हम लोगों को कि उसके ऑलरेडी कई केसेस ऐसे ही बुक है, उन्हें कई लड़कियों के साथ ऐसी हरकत करा। मेरी पुलिस से और CV आनंद साहब से अदबन गुजारिश है कि उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले, ताकि उन्हें किसी और के साथ ऐसा ना करे, लाइफ टाइम उसको अगर सज़ा मिल सकती तो वो भी दे दी।
सहारा बने बेसहारों का। अल्लाह की रजा के लिए इस रमजान जकात और फितरा देने के लिए जुड़े एसएम इमदाद ट्रस्ट के साथ, जो कई सालों से शहर हैदराबाद की गरीब गुरबा आवाम की मदद करता आ रहा है। सहारा बने शहर की गरीब गुरबा आवाम का। एसएम इमदाद ट्रस्ट के साथ, जो हजारों लोगों का कई सालों से पेट भरता आ रहा है। सवाबी जारिया के लिए ऑनलाइन पेमेंट या फिर बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर एसएम इमदाद ट्रस्ट के साथ जुड़े और गरीब गुरबा आवाम का सहारा बने।